तुम कहाँ से बोल रहे हो? हम बजाज फाइनेंस से बोल रहे हैं। फोन लगाया तुमको तो फोन पकड़ो। क्या नाम है? राधे श्याम कुमार। बजाज फाइनेंस? जी सर, क्या आप लोन लेना चाहते हैं? हाँ लोन तो लेना चाहता हूँ, 5 लाख का लोन चाहिए मुझे। कैसे होगा सर? हो जाएगा। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सेल्फी फोटो, बैंक का पासबुक का फोटो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए? किस नंबर पे व्हाट्सएप? सेम नंबर पे सर। सेम नंबर पे? जी सर। हाँ आपको व्हाट्सएप मिला मेरा? जी सर। आपका वेरिफिकेशन हो गया, इसमें आपको 2150 का खर्च लगेगा जो कि अभी पेमेंट कराना होगा आपको। ये पेमेंट कैसे होगा? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। इसी नंबर पे? जी सर। पेमेंट तो हो गया है, हमारा लोन का क्या हुआ? सर लोन अभी आपका फिर कन्फर्म नहीं होगा, इसमें दूसरा चार्ज आ गया। अरे यार कितना चार्ज लोगे तुम? तो जमा किया है मैंने 2180 रुपए। जी सर, तो वो जमा किया वो प्रोसेस आपका हो गया, फिर से चार्ज आया है, आप भरिए तब आपका होगा। और नहीं भरूंगा तो क्या होगा? तो फिर कैंसिल हो जाएगा आपका पैसा। 2180 का क्या होगा? वो फिर नहीं मिलेगा सर। कितना जमा करना है? 3500। हेलो, 3500 जमा कर दिया भाई, मैं लोन का क्या हुआ? सर फिर से कोई प्रॉब्लम आ गया। अरे क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है तुम्हारा यार। जी सर। अभी तो 2800 जमा किया, फिर 3500 जमा किया। जी सर। तो अभी फिर प्रॉब्लम है सर, इसमें आप फिर 5000 जमा करेंगे तब होगा। अरे पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारा, कितना वसूलोगे तुम मेरे से? नहीं सर, आपको कराना अनिवार्य होगा, आप कराएंगे तब भी होगा आपका। पकड़ो भाई। हेलो। हाँ हेलो। अरे मेरा अमेजोन का आना था भाई, आया नहीं वो कुरियर। सर आपका ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर आईडी बताइए, चेक कर ले रहा हूँ। ट्रैकिंग आईडी मेरा, ऑर्डर नंबर है 423484 और ट्रैकिंग नंबर है 456934। जी सर मैं चेक कर ले रहा हूँ, लाइन पे रहिए। सर मैं चेक कर पा रहा हूँ, कोई टेक्निकल इशू वजह से आपका एड्रेस जो है वो ऑनलाइन अपडेट नहीं बता रहा है, इसलिए वो पार्सल अभी होल्ड पे रखा हुआ है सर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल है मेरा, कैसे करते हो आप लोग? जी सर मिल जाएगा, मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर लीजिए, आधे से एक घंटे में मिल जाएगा। तो कैसे होगा वो? सर मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ सर, प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा एक बार। प्ले स्टोर में सर डाउनलोड कीजिएगा एनी डेस्क। एनी डेस्क डाउनलोड होने के बाद देखिए सर, वहाँ पे योर एड्रेस करके कोई नंबर आ रहा होगा, नंबर बताइएगा। नंबर आ रहा है आपका 428591। जी सर, नंबर आने के बाद देखिए वहाँ पे एक्सेप्ट आएगा सिक्योरिटी वार्निंग करके। हाँ एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट नाउ कीजिएगा। स्टार्ट नाउ होने के बाद सर स्टार्ट नाउ कर दिए। जी उसके बाद देखिए मोबाइल पे कोई मैसेज मिला होगा, गूगल फॉर्म का लिंक। हाँ उसमें देखिए नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह मांग रहा है। नाम भर लीजिए सर। नाम भर दिया, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर। हाँ अमाउंट में सर 5 रुपया डालिएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन चार्ज कटेगा। तो ये 5 रुपये कहाँ से डालूँ? सर वहाँ पे ऑप्शन होगा, 5 रुपये डालने के बाद नीचे ऑप्शन होगा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का। जी उसके बाद डाल लिए सर। हाँ जी उसके बाद सर यहाँ से हम लोग सबमिट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से भेजते हैं ओटीपी। ओटीपी अगर पैसा रहता है तो मारा जाता है, नहीं रहता है तो नहीं मारा जाता है। बहुत कार्ड है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद रहता है वो भी नहीं मारा जाता है। और उसके क्या नाम है? नकुल कुमार मंडल। अरे भाई चेहरा तो दिखाओ सबको। नकुल कुमार मंडल। नकुल कुमार मंडल। आपका? अर्जुन मंडल। अर्जुन मंडल, कब से कर रहे हो ये ठगी का काम? 2018 से, 4 साल से निरंतर। कितनी पढ़ाई की हो? सर मैं 4-5 पढ़ा। तो 5वीं पास जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी को चूना लगा रहा है, यही साइबर ठगी है। आप भाई? 7th। कितने पढ़े लिखे वालों को बेवकूफ बनाए हो? सर कॉल आता है पता नहीं, पता नहीं नॉमिनस है जो मिल जाए उसको चूना लगा देते हो। एक दिन में कितने लोगों कॉल? आप कौन था? आप काम कैसे करते हो जरा बताओ जनता को जरा। सर कुरियर सर्विस में। हाँ कुरियर सर्विस का कॉल आता है। कुरियर सर्विस का कॉल आता है तो हम लोग फोन करता है कि मेरा पार्सल अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग बोलते हैं आपका ट्रैकिंग नंबर बताइए, मैं चेक करके बता रहा हूँ। तो ट्रैकिंग नंबर लेने के बाद बोलते हैं सर आपका पार्सल होल्ड पे है, अभी आपको दोबारा ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करना होगा, फिर आपका पार्सल आधे से घंटे में मिल जाएगा। ऑनलाइन एड्रेस दोबारा अपडेट करना पड़ेगा तब आपको मिल जाएगा, गुड। फिर क्या करते हो? फिर बोलते हैं ठीक है बताओ कैसे करना है। तो उसको एनी डेस्क कराते हैं, एनी डेस्क ऐप ये लोग डाउनलोड करा देते हैं। बहुत जरूरी है जनता के लिए कि जो नॉर्मल आदमी को कोई भी आदमी एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले, एनी डेस्क ऐप को कभी डाउनलोड ना करे।
एनी डेफ ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करते हो, आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, जिसमें आप एनी डेफ ऐप को डाउनलोड करोगे, इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं रहेगा, इसको रिमोट कंट्रोल हो जाएगा। सब रिमोट आपने देखा है ना, रिमोट में दूर से बैठे हुए टीवी को कंट्रोल करते हैं। सेम उसी तरह यदि आपने एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कर लिया तो आपके एनी डेस्क मतलब कोई भी आदमी कहीं बैठ के आपके फोन को कंट्रोल कर सकता है, आपके फोटोज देख सकता है, आपका गैलरी देख सकता है, आपके ओटीपी पढ़ सकता है। मतलब मान लीजिए कि फोन का कंट्रोल उसके पास है। तो एनी डेस्क ऐप यदि कोई भी आपको डाउनलोड करने कह रहा है तो मान के चलिए आप ठगी के शिकार के बहुत नजदीक हो। क्यों भाई जी? फिर एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करते थे सर? बहुत आदमी नहीं करते हैं, बहुत आदमी जो है वो कुछ नहीं कर। तुम 30 आदमी का फोन आता है तो 100 आदमी का फोन आया तो कितने करते होंगे, कितने नहीं करते होंगे? सर लगभग 10-15 करते होंगे। 100 में 10-15% करते हैं, मतलब 100 आदमी का यदि कॉल आता है तो 85 आदमी देश में सचेत है जो समझ जाता है, ठगी से बच जाता है। लेकिन आप समझिए यदि 10-15% लोग भी ठगी का शिकार बन रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या। एक महीने में कितने लोग ठगी के शिकार बनाते हो तुम लोग? सर गारंटी नहीं है, जैसे कॉल आता कभी कितना, मतलब एवरेज महीने में कितना करते हो, कितने लोग ठगी के शिकार बनते हैं? सर हो जाते हैं 5-6। 5-10 एक महीने में, मतलब साल में एक दो व्यक्ति मिलके 60-100 आदमी, करीब 100 से ज्यादा ठगी एक साल में करते हैं। तो पिछले 5 साल में मान के चले 500 ठगी के लोग कर चुके हैं। एक बार में ठगी होती है कितने रुपए की ठगी होती है सर? जिससे उसका अकाउंट में पैसा रहा, जितना रहे उतना चूना लगा दोगे? नहीं सर, जैसे एनी डेस्क फिर डिलीट कर देता है तो नहीं होता। तो पहले एनी डेस्क आपने डाउनलोड किया, उसके बाद क्या करते हो? उसका योर एड्रेस नंबर लेके कनेक्ट करते हैं सर। कनेक्ट लेने के बाद उसको गूगल फॉर्म का एक लिंक होता है, गूगल फॉर्म का लिंक भेजते हो। गुड। वो लिंक भेजने के बाद वो पढ़ता है कुरियर सर्विस ऑनलाइन एड्रेस वेरिफिकेशन का। हाँ? नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर, अमाउंट बोलते हैं 5 रुपया आपका एड्रेस वेरीफाई चार्ज। 5 रुपया एड्रेस वेरिफिकेशन, 5 रुपया डालता है वो, अकाउंट नंबर डालता है? अकाउंट नंबर नहीं डालता सर, अमाउंट 5 रुपया डाला। हाँ? फिर उसके बाद नीचे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, ऑप्शन आता है। तो बहुत आदमी जो नहीं करते हैं, बहुत आदमी जो कर देते हैं 5 रुपए के लिए बोलता है 5 ही रुपए लेके कर देते हैं। कर देते हैं 5 रुपए करने के बाद सर जैसे हम कार्ड देख लिए, फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है जैसे फ्री रिचार्ज, एरन पे, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्री रिचार्ज जैसे कोई सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है। तो उसमें रेंट पेमेंट करके 10,000-15,000 बिना देखे पैसा, उसको मालूम नहीं सर कितना है नहीं है उसका अकाउंट में मालूम नहीं है। तो आप तुक्का मारते हो, 10,000 डाल के देखे निकल गया तो? जी सर, OTP डालते हैं, उसके बाद हो गया सक्सेस तो हो गया, फिर वो देख लेता है कि कट गया तो एनी डेस्क पहले हटाता है या बैंक फॉर्म। हाँ, यदि समझदार होता है तो एनी डेस्क हटा लेता है या बैंक को बोल के ब्लॉक करा देता है। जी सर, आप समझ सकते हैं। तो आपने मैक्सिमम ठगी, सबसे बड़ी ठगी कितने लाख की है? सर लगभग 1 लाख तक हम किए हैं। 1 लाख तक की हो, और 1 लाख तक की ठगी, आप समझ सकते हैं कि। और छोटी ठगी कितनी करते हो, जितनी हो जाए 5,000, 10,000, 20,000? तो सोचिए यदि 500 से ज्यादा ठगी ये लोग कर चुके हैं, टोटल कितना पैसा कमा चुके हो ठगी करके? सर 20-25 लाख कमाए। 20-25 लाख ये मान रहे हैं, ज्यादा ही कमाए होंगे? नहीं सर, 30-35 लाख ये कमाए हैं, 20-25 लाख ये कमाए हैं, दोनों मिलके 60 लाख की ठगी माना है इन्होंने कर दिए, ज्यादा किए होंगे। समझिए 500 ठगी किए हैं, एक ठगी 10,000 भी आप पकड़ोगे तो 500 × 10,000 मतलब 10 लाख, करीब 5 करोड़ की ठगी ये लोग। सीखे कहाँ पे हो सर? लगभग गांव में हर कोई करता है, लगभग गांव में सब लोग करते हैं। तो ये लोग आपस में एक दूसरे से, जैसे कि लोग शिल्प परंपरागत ढंग से सीखते हैं, जैसे लोग पॉटरी देखा ना घड़ा बनाते हैं, तो सब सीखते थोड़ी, एक दूसरे सीख जाते हैं। कुछ शिल्प गांव होते हैं, कुछ पुलिस सेट है क्या? नहीं यार, देखो पुलिस सेट नहीं है, लेकिन अब ऐसा है, देखो जिस जहाँ का अपराध होगा वहीं का पकड़ेगी ना। ये तो देश भर में अपराध कर रहे हैं, लोकल थोड़ी, लोकल का नहीं, जिसका फोन आया। लोकल आबादी कम फोन करती है, वो सब तो इसी काम में लगी रहती है। पहले भी तो अपन यहाँ से गिरफ्तार करके लाए थे क्या? नहीं, हाँ, पूरा जमतारा आपने देखा होगा, वो वेब सीरीज बनी है। तो सर ये लोग एम्प्लॉय, एक चीज बताओ, अरे वहाँ हर आदमी एंटरप्रेन्योर है, हर आदमी अपनी कंपनी चलाता है। ये दो लोग मिलकर करते हैं, 60 लोग मिलकर 5 करोड़ कमा लिए, ये किसी के अंदर काम क्यों करेंगे? इनके साथ में कोई और भी है क्या? आपके साथ और भी लोग थे क्या? नहीं।
होंगे बताएंगे नहीं, नहीं अलग अलग हर अलग अलग हर कोई हर काम करता है हर लेन बता देंगे खुद ही। रुक जाओ यार, कहाँ का खाता लेते थे सर? खाता देता था रेंट पे खरीदते थे? नहीं सर, खाता देने वाला था वो परसेंटेज काटता था। परसेंटेज काट के लेता था? कितना परसेंटेज लेता था वो? वो सर 30% लेता, 30% लेता था। उसका काम है फेक अकाउंट लेके आना, उनके अकाउंट पे डलवाएंगे, वो 30% काट के दे देंगे हर चीज। रेंट, खाता रेंट, सिम कार्ड? सिम कार्ड भी देता था सर 1000, एक सिम जियो सिम 1000 लेता। जियो सिम 1000 रुपए का मिलता है? जियो सिम कोई आधार कार्ड की जरूरत है ना, फिंगरप्रिंट की जरूरत है? क्यों भाई जी सर, देता था सर लाके। देता था लाके, पैसा फेंको घोटाला करो, क्यों भाई? अभी छूट के जाओगे फिर दोबारा शुरू कर दोगे काम, तो एक्सपर्ट हो गए हो तुम दोनों इसके। नहीं सर, अब नहीं करेंगे सर। क्यों भाई, मुझे देखने के मेरे चेहरे में ऐसा क्या है? मैं कोई बाबा बन गया हूँ क्या कि मुझे देख लिया तो वे काम छोड़ दोगे? इतना हाई प्रॉफिट बिजनेस साहब बोल रहे थे कल, तो बोल रहे थे साहब जाऊंगा फिर करूंगा। नहीं सर, घर वर बना लिए, अब नहीं करेंगे। घर वर बना लिए ठगी करके, अब क्यों करेंगे? सुनो, घर बना लिए हो, गाड़ी भी खरीदे हो ना सर? बाइक। कौन सी बाइक है? अपाची और बुलेट। अपाची और बुलेट, बुलेट कितने के लिए हो सर? लोन पे लिए थे 1,00,000 जमा दे के, 2,25,000 का बुलेट। 2,25,000 की बुलेट खरीदे हैं? और अपाची कितना खरीदे हो? 97,000 का। आप क्या खरीदे हैं जनाब? सुपर स्प्लेंडर। कितने का लिए हो? 85,000 का। तुम कितना घर बनाए हो? एक घर तुम बनाए हो? तुम सर दो घर, तीन घर बनाए हो? तीन घर बनाए जनाब, ठगी करके। एक घर अकेले बनाए, दो घर दोनों भाई। अरे भाई, तीन घर बना लिए तुम 4 साल में। और जमीन कितना खरीदे? जमीन नहीं खरीदे सर, गांव में घर में अपना मतलब पिताजी का जमीन है। तीन घर एक आदमी और एक घर एक आदमी, 4 घर बना लिया। सोचो एक घर बनाने में जहां सब पत्रकार बंधु बैठे हैं, कितना लगता है एक घर बनाने में? 25-30 लाख रुपए लगता है। 4 घर बनाने में कितना लगेगा सोच लो? 10-12 लाख। सर छोटा छोटा घर समझ गया भाई, 10-12 लाख में बन। देखो 3 स्टार है ये भी, आपके बराबरी का हो गया। देखो सर, इनको पकड़ने जब अपनी टीम गई तो जामताड़ा पुलिस की 4 गाड़ी टीम हथियार के साथ गई थी, तो ऐसा क्या था? भाई गांव की बताओ, कोई हमला करते हैं लोग? जब करोड़पति लोग हैं, तकंचा चाकू रखते हैं, तो अपनी पूरी सुरक्षा से जाना अच्छी बात है। और इसमें जमतारा पुलिस का आप जो पूछ रहे थे सहयोग मिला तभी इनको हम पकड़ पाए, बिना जिला पुलिस के सहयोग के ऐसे तेज। आप सोच लो कितनी ऐप की बात कर रहे हैं और कितनी चीजें कर रहे हैं, लगेगा आपको गूगल फॉर्म कि कहाँ कहाँ की पुलिस आई थी? तुम भागे हो सर? गाँव में आते रहता है पुलिस, आते रहता है गाँव में पुलिस। कहाँ कहाँ की पुलिस सुने हो आई है सर? मुंबई, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा, हरियाणा पुलिस, गुजरात, गुजरात पुलिस, आसाम, आसाम पुलिस और लगभग सभी देश, लगभग सब पुलिस आती है। सर वो नहीं बता, मालूम नहीं, वो हम वो आता है तो भाग जाते हैं सर, जो आते हैं तो भाग जाते हैं। छत्तीसगढ़ की पुलिस स्ट्रांग है, ऐसा पकड़ के लाती है। अब यार कुछ कोई और किसी को कितने मामले इनके खुले हैं लोगों ने जो कांड किया है यहां के लोगों से ठगी की है? अभी पता चलेगा, अभी तो 500 कर दिए हैं भाई, कितना खोलोगे? अब यार ये आदमी जगह नहीं देखते, अपराध किए पैसा आया खत्म। अब भाई ऐसे फ्रॉड की तो बहुत शिकायतें हैं, सबको पुष्टि की जाएगी, अकाउंट वहाँ का लोकेशन निकाला जाएगा। प्रॉब्लम यही है ना, एक सिम एक बार में यूज करते हैं, सिम किसी और के नाम पे है, तो अब कैसे ट्रैक करोगे कि इसी ने किया है? इसका कुछ ये ठगी जो करते थे पैसा लाना, इसके मोबाइल पे करते थे जी, इन मोबाइल का रिकॉर्ड खंगालेंगे तो किस किस अकाउंट पे पैसा गया है, कहाँ से आया है, तो हमें हो सकता है जानकारी मिले। एक बार में एक ही बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते थे, अलग अलग बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते थे? नहीं सर, जैसे वो अकाउंट देता था तो हम लोग यहाँ अकाउंट ऐड कर लिए फ्री रिचार्ज जो तो इसमें कौन कौन से अकाउंट ऐड हुए हैं उसके आधार पे अभी मोबाइल की जाँच होगी तो पता चले। मोबाइल की जाँच करवाना, बेनिफिशियरी अकाउंट कौन कौन से हैं जिसमें पैसा ऐड हुआ है इनके पास,
तो उन ठगियों का मालूम चलेगा, फिर उसमें इनको बनाना पड़ेगा। वो निकल गए सर, पांच अकाउंट निकले, पांच अकाउंट निकले हैं अभी, 500 ठगी किए, अब क्या बताएं। अब कहा, अब तो कम पैसा होगा, बहुत कम पैसा है, पूरा घर वर बना दिए, सामान खरीद लिए। एक चीज बताओ, पुलिस आती है तो कैसे मालूम चलता था पुलिस आई है? सर आ जाता खबर देखते हैं, गाड़ी खबर आ जाता था। कौन खबर देता था? मतलब गांव में जैसे रहा ना, मतलब पिंडारी तरफ से आया तो फोन आ जाता था। भी रखते थे तुम? रखते नहीं थे सर, फोन कोई भी कर देता था कि उधर गाड़ी जा रहा है, नया गाड़ी है, नया गाड़ी है। तो कौन करेगा तुमको, किसको मालूम, क्यों मतलब है तुम्हें फोन करेगा कोई? सर लगभग सभी काम करते हैं ना, तो सभी भी काम करते होंगे, तो यार वो किसको फोन करके बताएंगे? वो तो बोल देता है कि कोई नया गाड़ी जा रहा है, दोस्ती यारी जो भी है। दोस्ती यारी रखते थे तुम लोग, सबको बता दो, तो सबको बताते थे। वो कहाँ भागते थे? छोड़ देता था काम, या फिर नहीं जाता था, हाँ? इधर उधर छुप जाता था, इधर उधर छुप जाते, मोबाइल बंद कर दिए, हो गया। कितने लोग उस गांव में, कितने लोग यही काम करते? करीब कितनी, कितने परिवार करते होंगे ये काम? सर लगभग सभी। अरे भाई परिवार कितने होंगे? सर मेरा गांव जैसे हिंदू मुस्लिम मिला के 25-30 लड़के होंगे, 25-30 लड़के काम करते होंगे। और तुम्हारे जिले में कितने लड़के काम करते होंगे इस तरह का? जिला कौन सा है? जामताड़ा। जामताड़ा जिले में कितने लड़के काम करते होंगे? सभी गांव करते हैं सर, सब गांव यही काम करते हैं। कितने गांव काम करते होंगे? अंदाजा नहीं लगभग जितना गांव है सर। कितना भाई, 100, 150, 500, 1000? जिस तुम्हारे गांव में हर घर में चलता है बता रहे, 25 परिवार करते हैं, सब नहीं करते होंगे, 25 ही परिवार थोड़ी होंगे तुम्हारे गांव में, छोटा गांव। ट्रेनर कौन है सर? ट्रेनर एक ही होता है, शिल्प गांव होता है ना, वहाँ कोई होता है ट्रेनर? बच्चे जन्म से ही सीख जाते हैं वो चीज, अब ये उससे सीखा, वो इससे सीखा, वो उससे सीखा, है ना। व्हाट्सएप करना सीखते हैं? व्हाट्सएप कैसे सीखते हो, ट्रेनिंग लिए कभी आप? तो एक दूसरे देख के सीख जाते हैं। साइकिल चलाना कैसे सीखते हो बताओ? साइकिल चलाना कौन ट्रेनर है तुम्हारा, साइकिल ट्रेनर याद करके बताओ? पापा कहाँ सिखाते हैं साइकिल, दोस्त सिखाते हैं यार, क्या हर चीज पापा बॉय है, हर चीज पापा। अब यार आगे मत बुलवाओ, ये सब दोस्तों से सीखते हैं। देखो इतने पत्रकार बंधु हैं, सब कैमरा से सीख गए ना रिपोर्टिंग करना, कैसे सीखे? कोई जूनियर से सीखा, वो फिर तुमने किसी को रखा, तुमको देख के सीखा, ऐसे ही होता है ना। कोई ग्लानी है, गलती हुई है, क्यों ग्लानी है? तो गांव का हर बच्चा करता है, तो तुमने किया क्या गलत किया, क्यों ऐसे लगता तुम्हें? तुम लोग को लगता होगा हम लोग बदकिस्मत है जो ददुर पुलिस के हाथ हत्ते चढ़ गए, क्यों भाई? गलती होगी, हाँ गलती होगी। गलती क्या हुआ? 500 लोग का तुमने पैसा लूट लिया तुम लोगों ने, जिस बेचारे का 50,000, 1,80,000 गया, उनसे पूछो ना उनके ऊपर क्या बीतती होगी। पहले दिन को पकड़ के लाया तो भी उन्हीं के गांव के थे। हाँ जमतारा के थे ना, 6 महीने पहले पकड़ा थे। जमतारा जिला है भाई, जैसे दूर जिला है ना, इतने गांव है वहाँ पे यार, सभी एक्सपर्ट सब वही काम करते हैं। चलो साइड हो जाओ भाई। और ये देखो दूसरा ठग, तुम कहाँ के रहने वाले हो भाई? नवादा जिला। हाँ वही है, एक्सटॉर्शन वाले आए थे ना हमारे, नवादा। नवादा तुम्हारे गांव में सब आदमी यही काम करते हैं क्यों? नहीं, 5-10 लोग करते हैं। तुम 5-10 सिलेक्टेड लोगों में हो। चलो देखो ये है सिलेक्टेड, जो 5-10 ही करते हैं उसमें करते हो। क्या काम करते हो तुम भाई? बजाज फाइनेंस का लोन फेसबुक पे देते हैं। बजाज फाइनेंस का लोन दिलाते हो फेसबुक पे? कैसे दिलाते हो, रियल में दिलाते हो, धोखाधड़ी करते हो? धोखाधड़ी करते हो तो लोन दिलाता नहीं, बोलो कि मैं बजाज फाइनेंस लोन के नाम पे धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे बताओ ना यार। तो ये धोखेबाजी कब से कर रहे हो? 2-2.5 महीने से। न्यू कमर हो यार? जी सर। नए नवेले? जी सर। उनको देखो 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर 5 साल की सरकार चला रहे हैं ये लोग, और तुम नए नए हो। जी सर। तो ये कैसे सीखे?
सर हम पहले सूरत में रहते थे, वहाँ जरी मशीन चलाते थे। जरी मशीन, तो जरी के साथ, जरी से ये फॉर्जरी में कैसे आ गए? गांव आए, बहन का शादी था। हाँ हाँ। तो उसमें कुछ कर्ज हुआ हमारा। कर्ज हुआ जी शादी में, तो गांव वाले लोग जो करते थे वो बोले कि अरे तू उधर रहेगा तो सेट नहीं पाएगा, इधर आ जा। सही बात है, वहाँ मेहनत करोगे 10,000 कमाओगे, यहाँ लाखों कमाओगे, यहाँ ज्यादा कमाओगे, यहाँ तुम तुरंत सटा लोगे, तो तुरंत लोन सटा दोगे। सही बात है। तो उसके कहने पे लेकिन दूसरों को जो सताए हो तुम, उनका क्या? जो बेचारे लोग हमारे दुर्ग का एक निवासी को 5 लाख का सता दिए तुम, उनका कभी नहीं सोचे? तो कैसे कैसे सटाते थे जो बताओ जरा। ऐसे ही सर, जो कि मतलब लोन के लिए कहते थे कि हमको करवाना है तो उनसे पैसे मांगते। फेसबुक फेसबुक पे बनाए कैसे? वो फेसबुक पे एड लगाता था। एड कौन लगाता था? वो मालिक लोग लगाते। मालिक लगाता था। मालिक कहाँ का है? गांव का ही। गांव का ही है, तो मालिक नहीं पकड़ाया? नहीं सर। और तुम बेचारे शागिर्द पकड़ा गए जी सर। तो ये 5 लाख की फॉर्जरी हुई, तुमको कितना मिला इसका? 15% हमको। 15% बहुत है यार, मतलब 5 लाख की ठगी में 15-17 हजार बैठे बैठे मिल गया। तो एड लगाते थे, उसके बाद क्या करते थे? उस पर फोन आता था तो बात करते थे। बात करते थे, क्या बात करते थे? मान लो मैंने देखा, फोन लगाया तुमको, तो फोन पकड़ो। क्या नाम है? राधेश्याम कुमार। बजाज फाइनेंस जी सर, क्या आप लोन लेना चाहते हैं? हाँ लोन तो लेना चाहता हूँ। 5 लाख का लोन चाहिए मुझे, कैसे होगा? सर हो जाएगा, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक सेल्फी फोटो, बैंक का पासबुक का फोटो व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप कीजिए, किस नंबर पे व्हाट्सएप? सेम नंबर पे सर। सेम नंबर पे जी सर। हाँ आपको व्हाट्सएप मिला मेरा? जी सर, आपका वेरिफिकेशन हो गया, इसमें आपको 2150 का खर्च लगेगा जो कि अभी पेमेंट कराना होगा आपको। ये पेमेंट कैसे होगा? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। इसी नंबर पे? जी सर। पेमेंट तो हो गया है, हमारा लोन का क्या हुआ? सर लोन भी आपका फिर कंफर्म नहीं होगा, इसमें दूसरा चार्ज आ गया। अरे यार कितना चार्ज लोगे तुम? तो जमा किया है मैंने 2180 रुपए। जी सर, तो वो जमा किया, वो प्रोसेस आपका हो गया, फिर से चार्ज आया, आप भरिए तब आपका होगा। और नहीं भरूंगा तो क्या होगा? तो फिर कैंसिल हो जाएगा आपका पैसा। 2180 का क्या होगा? वो फिर नहीं मिलेगा सर। कितना जमा करना है? 3500। हेलो, 3500 जमा कर दिया भाई, मैं लोन का क्या हुआ? सर फिर से कोई प्रॉब्लम आ गया। अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा यार? जी सर, अभी तो 2800 जमा किया, फिर 3500 जमा किया। जी सर, तो अभी फिर प्रॉब्लम है सर, इसमें आप फिर 5000 जमा करेंगे तब होगा। अरे पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारा, कितना वसूलोगे तुम मेरे से? नहीं सर, ये आपको कराना अनिवार्य होगा, आप कराएंगे तब भी होगा आपका। तुम कहाँ से बोल रहे हो? हम बजाज फाइनेंस से बोल रहे हैं। मान लो ऐसे करके तो 2000-5000 करके 5 लाख कैसे हो जाता है सर? तो इन्होंने खाली एक दिए थे, इतना इतना पैसे देते थे बाकी का सब तो 1000-2000 देता है, बाकी के गाली दे के भाग जाता है। गाली दे के भाग जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल मॉड्यूल में ये लोग केवल फेसबुक पे अपना एड देते हैं, उस पर फोन करते हैं। ज्यादातर लोग पहला इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन का दिया, 2800 डाउट हुआ हट लिए, कुछ उसके बाद 3500 दिए हट लिए, कुछ लोग फंसते चले गए तो उनको कुछ ना कुछ बहाने के, इसको 5 लाख कैसे, क्या क्या बहाने के 5 लाख लिए इसे? ऐसे ही बहाने बनाते गए, देते गए, बनाते गए, देते गए। ये किस उम्र का था ये? काफी है जो देता चला गया, रिकॉर्ड बना दिया इसने तो। कितने साल का था ये? 43 है। क्या काम करता था? सर खेती किसानी करता है। खेती किसानी का बताओ, खेती किसानी वाले को तुम 5 लाख का चूना लगा दिए, तो तीन महीने में कितने ठगी कर लिए तुम? वही 50,000-60,000 तक। अरे 75,000 तो एक में ही मिल गया तुमको, मुझे कहानी सुना रहे हो सर? तो उसमें 15,000 जो मालिक था उससे सूद पे भी लिए थे पहले बहन के शादी के टाइम। तो तुम्हारा ही पैसा हुआ ना यार वो? जी जी। तो सटा के लगभग 50,000 रुपया पूरा फटा के तुम 50,000 ले भी लिए? जी सर। दिन में कितने लोग का फोन आता था? लगभग 10 नंबर से 12 नंबर हमको देता था। 10-12 नंबर का डेली फोन आता था। कितने लोग पैसा जमा कर देते थे? कोई जमा भी कर देते थे। करीब कितने? 10 में? 10 में एक आध कर देते थे, किसी दिन वो भी नहीं, वो भी नहीं करते थे। तो तुम 2 महीने में किए, 60 दिन में करीब 600 फोन आया, 600 में 10% बिके, 50-60 लोग कर लिए। जी सर।
इसके साथ कितने लोग थे इन्वॉल्व? कितने लोग? मालिक के पास कितने लड़के होंगे? चार पांच लड़के। चार पांच लड़के मालिक रखता है, मालिक वो ऐड डालता है, जो नंबर का फोन आता है कुछ कुछ लोगों में डायरेक्ट करते जाता है। तो एक आदमी को 10 फोन आ रहा है और पांच आदमी रखा हुआ है, मतलब 50 लोगों का फोन डेली आता होगा करीब। ये भी सब वही फ्रॉड, वही मालिक देता है। पैसा किसके अकाउंट में? मालिक, मालिक देखता है वही रेंट वाला सिस्टम 30% पे, और फिल्म का इंतजाम भी मालिक ही करता होगा, सब कुछ मालिक करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। हम ये फेसबुक के ऐड पे जाके, इंस्टाग्राम के ऐड पे, यदि इंस्टाग्राम पे ऐड आप देख भी रहे हैं, फेसबुक पे आप ऐड देख भी रहे हैं, तो आप उसको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, और थोड़ा भी डाउट हो तो उस कंपनी का जो ऑफलाइन स्टोर है वहां जाके जरूर कंफर्म करें। और एक बार गलती से आपने 1000-1500 दे भी दिया, आपको लग रहा है डाउटफुल, दोबारा पैसे मांग रहा है, कृपया ना दें। यदि आप 1000 रुपए डूबेगा आप बच जाओगे, एस्केलेट करते चले जाओगे तो ये धोखाधड़ी वाले बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हमने दो मॉडल ऑपरेटिव दिखाया, इसका एक डेमो और इसका बताओ भाई, पकड़ो भाई। हेलो, हाँ हेलो सर, अरे मेरा अमेजोन का आना था भाई, आया नहीं वो कुरियर। सर आपका ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर आईडी बताइए, चेक कर ले रहा हूँ। ट्रैकिंग आईडी मेरा, ऑर्डर नंबर है 423484 और टैगिंग नंबर है 456934। जी सर मैं चेक कर ले रहा हूँ, लाइन पर रहिए। सर मैं चेक कर पा रहा हूँ, कोई टेक्निकल इशू वजह से आपका एड्रेस जो है वो ऑनलाइन अपडेट नहीं बता रहा है, इसलिए वो पार्सल अभी होल्ड पे रखा हुआ है सर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल है मेरा, कैसे करते हो आप लोग? जी सर मिल जाएगा, मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर लीजिए, आधे से एक घंटे में मिल जाएगा। तो कैसे होगा वो? सर मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ सर, प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा एक बार। प्ले स्टोर में सर डाउनलोड कीजिएगा एनी डेस्क। एनी डेस्क डाउनलोड होने के बाद देखिए सर वहाँ पे योर एड्रेस करके कोई नंबर आ रहा होगा, नंबर बताइएगा। नंबर आ रहा है आपका 428591। जी सर नंबर आने के बाद देखिए वहाँ पे एक्सेप्ट आएगा सिक्योरिटी वार्निंग करके। हाँ एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट नाउ कीजिएगा। स्टार्ट नाउ होने के बाद सर स्टार्ट नाउ कर दिए। जी उसके बाद देखिए मोबाइल पे कोई मैसेज मिला होगा, गूगल फॉर्म का लिंक। हाँ उसमें देखिए नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह मांग रहा है। नाम भर लीजिए सर। नाम भर दिया, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर। हाँ अमाउंट में सर 5 रुपया डालिएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन चार्ज कटेगा। तो ये 5 रुपये कहाँ से डालूं? सर वहाँ पे ऑप्शन होगा, 5 रुपये डालने के बाद नीचे ऑप्शन होगा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का। जी उसके बाद डाल लिए सर। हाँ जी उसके बाद सर यहाँ से हम लोग सबमिट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से भेजते हैं OTP। OTP अगर पैसा रहता है तो मारा जाता है, नहीं रहता है तो नहीं मारता है। बहुत कार्ड है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद रहता है वो भी नहीं मारता है। और उसके बाद मैं कॉल करूंगा तो तुम क्या करोगे, उठाओगे नहीं उठाओगे? जी सर नहीं उठाएंगे सर, नहीं उठाओगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आप किसी भी वेबसाइट पे, काफ़ी वेबसाइट पे 1-2 रुपये जमा करने का इसलिए रहता है कि वो आपका क्रेडिट कार्ड का क्रेडेंशियल चेक करने वाला होता है। लेकिन यदि आपने एनी डेस्क और इस तरह के ऐप डाउनलोड करके 1-5 रुपये किया है तो आपका पूरा अकाउंट डिटेल से लोग देख लेते हैं और आपका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, जिनके जो ऑनलाइन यूज करने के बहुत आदि नहीं है, वो 2 अकाउंट रखें। एक अकाउंट जिसमें ज़्यादा पैसा रहे उसमें ऑनलाइन एक्टिव ना रखें, और जिसमें आप डेबिट कार्ड चलाते हैं उसमें कम पैसा रखें, 10,000, 20,000, 25,000। जब भी जरूरत पड़े यहाँ से चेक डाल के उसमें डाल दिया तो उससे फायदा ये है कि कभी आपके साथ ठगी होगी तो 10-20 हज़ार की ठगी होगी। काफ़ी किसान जो काफ़ी ज़मीन बेचते हैं और 1-1.5 करोड़ अकाउंट में डालते हैं और डेबिट कार्ड है, कभी ऐसे फ्रॉस्टर्स के हाथ लग गया तो वो पूरा अकाउंट खाली कर देंगे। नेफ्ट में तो केवल 1 लाख रुपए निकलता है, आजकल वो RTGS और बाकी चीज़ों से पूरा पैसा साफ कर देते हैं। तो कभी भी फ्रॉडस्टर के ये पे आके 1-5 रुपए किसी भी ऐप डाउनलोड करने के बाद पेमेंट ना करें, कोई भी अनसॉलिसिटेड ऐप कभी भी डाउनलोड ना करें। और एनी डेस्क ऐप तो कहीं हेल्पलाइन के बोलने पर तो कभी भी डाउनलोड ना करें, वरना आपका फ़ोन का कंट्रोल चला जाएगा, फ़ोन के आपके वीडियोज़ फोटो सब गायब हो जाएंगे।
आज के टाइम में लोगों को फोन में फोटो वीडियो रखने की आदत है, बहुत ज्यादा प्राइवेट फोटोज वीडियोज अपने फोन पे ना रखें। यदि आपने फोन पे खींचा है तो उसको एक हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करके फोन से हटा लें, क्योंकि ऐसे ऐप के थ्रू जब आपका फोन का कंट्रोल जाएगा तो आपके प्राइवेट फोटो वीडियो भी निकाल सकते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ये ब्लैकमेलिंग की चीजें भी बहुत सामने आ रही हैं। यदि आपने एनी डेस्क ऐप डाउनलोड किया कि और उसका OTP बता दिया तो आपके फोन के जितने मैसेज हैं, फोन के जितने वीडियो हैं, फोटो हैं, सब वो ले लेंगे, आपका आपका चैट पढ़ लेंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो सभी को इससे बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि फ्रॉडस्टर बहुत ही दिमाग से काम करते हैं। जब तक हम लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचना बहुत मुश्किल है। क्या नाम है भाई? कमल नयन और चुन्नू सिंह। कब से काम कर रहे हैं ये लोग? बहुत पहले से, सालों से काम कर रहे हैं। ये तो एक छोटा सा गुर्दा है, मतलब गुड़गा है छोटा सा। वो किस गांव के रहने वाले हैं दोनों? तुम्हारे गांव के रहने वाले, सालों से काम कर रहे हैं। और उनके अंदर कितने लड़के काम करते हैं? 5-7 लड़के काम करते हैं। ठीक, वो उसको सैलरी देता था क्या सर? क्या करता था? नहीं नहीं, कमीशन है ना, 15%। अच्छी बात है, इन ठगों को कोई गिल्ट नहीं है। ये कहते हैं कि छूटेंगे जेल से और उसके बाद दोबारा ठगी करेंगे, क्योंकि ठगी में इनको करोड़ों का प्रॉफिट है साल में। बड़ा घर बना रखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रखी हैं, बड़े सामान खरीद रखे हैं। और क्योंकि गांव में बहुत आसपास लोग ठगी करते हैं तो वहां पे कोई इनको स्टिग्मा भी नहीं है ठगी का। जब भी इन पे 10 बार ठगी करते हैं तो कभी एक बार पकड़ाते हैं, उसका पैसा वापस कर देते हैं, केस खत्म हो जाता है, दोबारा ठगी में निरंतर घुस जाते हैं।